हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल जीपीएससी एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, जीपीएससी के जो फॉर्म्स हैं वो अगस्त में रिलीज हो जाएंगे और उसका एग्जाम जो है वो नवंबर में है। तो अब जून चल रहा है और आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 मंथ्स ही बचे हैं। तो आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर कैसे शेड्यूल लेके चलना है, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। कितने नंबर ऑफ डेज आज से बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। ठीक है, दूसरा, ये जो नंबर ऑफ डेज बचे हैं उनको हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तीसरा ये है कि कितने कितने डेज हमको देना है हर सब्जेक्ट के लिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए और हम रिवीजन कर पाए और मॉक टेस्ट लगा पाए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कैसे हम अपने नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, और कितना आवर्स हमको जरूरी है जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी अपनी जीपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर? चलिए, पहला है हम नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करें। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन 25 जून है। ठीक है, तो आज के दिन से हम कैलकुलेट करेंगे। आप जब भी ये वीडियो देखें आप उस दिन से अपने डेज कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट अब हमको क्या पता है, 6 नवंबर 2022 अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो रिलीज हुआ है उसमें 6 नवंबर की डेट है, तो 6 नवंबर हमारी एग्जाम डेट है। अभी हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, 90% तो यही रहेगी, 10% चांसेस है कि अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो चेंज हो सकती है। 15 अगस्त को हमारे एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और 6 नवंबर को हमारा एग्जाम है। तो 25 जून से 25 जुलाई तक 1 मंथ, 25 जुलाई से 25 अगस्त तक दूसरा मंथ, 25 अगस्त से 25 सितंबर से तीसरा मंथ, और 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हमारे पास 4th मंथ है। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने मंथ हैं, 4 मंथ ही हमारे पास बचे हैं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे। 4 महीने मतलब कितने डेज बचे हैं आपके पास, टोटल 120 डेज बचे हैं। 4 × 30 = 120 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, और बाकी का 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपको क्या करना है, रिविजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, जिससे कि आपका जो भी आपने इन 4 महीनों में पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो सारी चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने डेज देने हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हमें डेली कोर सब्जेक्ट हमारे जो हैं वो हमको कैसे प्रिपेयर करने। तो हमारे 6 कोर सब्जेक्ट हैं और 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हमको डेली प्रिपेयर करना है। जैसे कोर सब्जेक्ट में आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है जिससे आपकी प्रिपरेशन इजी हो सके, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, राइट सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए सब्जेक्ट्स को चूज करने का। तो आप वहां से देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसमें मैंने पैसे ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट लिया था। ठीक है, तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट हमको प्रिपेयर करने हैं 120 डेज में। तो 120 डेज, ठीक है, 6 सब्जेक्ट के हिसाब से कितना है, 20 डेज है हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए, अगर हम इन 6 सब्जेक्ट्स को डेली करेंगे, डेली वाला लेके चलेंगे। ठीक है, अब डेली सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स। अब देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, आपको 20 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है। हिस्ट्री में बहुत कुछ आता है, एंशियंट हिस्ट्री आएगा, मेडिवल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा और गुजरात का हिस्ट्री आएगा। ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक को आपको 20 दिन में खत्म करना है। ठीक है, लेकिन आप सुबह से लेकर रात तक आप सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको 2 घंटे आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे आपका माइंड
चेंज हो सके, ठीक है। तो आपको वो करना है इन 4 महीने में। तो 4 महीने अगर आप मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे, दो एक एक घंटे, 1 घंटे अगर आप मेंटल एबिलिटी को देते हैं और 1 घंटे आप करंट अफेयर्स को देते हैं, तो साथ साथ में आपका करंट अफेयर्स और ये भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, सारे कोर सब्जेक्ट के साथ डेली आपको मेंटल एबिलिटी 1 घंटा करना है, मतलब वो मैथ्स एंड रीजनिंग आप 1 घंटा सुबह कर सकते हैं, शाम को वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को फिट कर सकते हैं। और 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देना है डेली, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको डेली करनी है और ये 6 सब्जेक्ट्स में से एक कोर सब्जेक्ट आपको डेली करना है, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे 20 दिन हमने हिस्ट्री किया, 20 दिन आर्ट एंड कल्चर किया, 20 दिन पॉलिटी किया, 20 दिन ज्योग्राफी किया, 20 दिन इकोनॉमी किया, 20 दिन साइंस एंड टेक किया, ऐसे हमने डिवाइड किया। लेकिन देखो क्या होगा, हर बच्चे का थोड़ा सा चीजें अलग होती है, किसी को हिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को पॉलिटी में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को इकोनॉमी में ज्यादा टाइम लगेगा। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको हिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगे लेकिन पॉलिटी में उसको 10 ही दिन लगे या 15 ही दिन लगे, उसने एम लक्ष्मीकांत हो सकता है 2 से 3 बार पढ़ रखी हो। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा अपना टाइम एडजस्ट करना है, लेकिन आपको ये सोच के चलना है आपको मिनिमम 20 दिन ही है एक सब्जेक्ट के लिए और टोटल 120 डेज ही है आपको इन 6 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के चलना है। तो ये तो हो गया हमको सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 120 डेज है टोटल 6 सब्जेक्ट के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए हमको कितना दिन मिल रहा है, 20 दिन मिल रहा है, और उसमें भी डेली हमको करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी तो करना ही है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स कर लीजिए, इवनिंग में जब रात के सोने के टाइम पे क्या होता है थोड़ी नींद आ रही है तो उस टाइम आप मैथ्स एंड रीजनिंग कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको अच्छा लगे, दिन भर से जो पढ़ा हुआ है स्टफ कर लिया अपने माइंड को तो थोड़ा ट्रिकी कुछ करें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन भर आप बैठे बैठे थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो रात को करंट अफेयर्स का वीडियो यूट्यूब पर ऑन कर लिया, वहां से 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ऐसे आप अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है और 1 घंटा मैथ्स एंड रीजनिंग को देना है, क्लियर। चलिए अब फुल डे का शेड्यूल कैसे बनाना है सुबह से लेके शाम शाम तक का। तो देखो मॉर्निंग में आपको 7 AM, अगर आप मतलब सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सुबह 7 बजे से आपका दिन शुरू हो जाना चाहिए। सुबह 7 से 9 आप या तो जो आपने पहले दिन पढ़ा हो वो आप रिवाइज कर सकते हैं या कुछ नया फ्रेश पढ़ सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो 7 से 9 2 घंटे का एक स्लॉट, फिर 9 to 9:30 आप नहा धो लीजिए, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फ्रेशन अप हो लीजिए, फिर 9:30 से 12:30 तक दूसरा स्लॉट बैठिए, 2 घंटे वो पढ़ना है। तो 2 आवर्स ये और 2 आवर्स ये, तो मॉर्निंग में 12:30 तक आपके 4 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 12:30 बजे के बाद आप लंच ले सकते हैं और फिर रेस्ट कर सकते हैं। तो 12:30 से 2 मतलब 12:30 से 1 बजे तक आपने लंच किया, 1 से 2 थोड़ा रेस्ट कर लिया जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर आप वापस से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो 12:30 से 2 आप रेस्ट कर सकते हैं, सब बच्चे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस हाँ आपको याद रखना है कि लंच के पहले आप 4 घंटे पढ़ लें कैसे भी। अगर आप 2 बजे लंच लेते हैं तो ऐसा कुछ टाइम फिक्स कीजिए कि आप 2 बजे तक 4 घंटे कैसे भी पढ़ लें, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, 2 to 4 इवनिंग में वापस से पढ़ाई करना है, ठीक है। आपका जो जैसे आप हिस्ट्री स्टार्ट किया है तो 2 to 4 आपको वापस से हिस्ट्री स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपने ये 2 घंटे हिस्ट्री 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ा हो या 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ा हो और 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर 4:30 से 4:30 आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, थोड़ा चाय वाय पीजिए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप करेंगे 4:30 से 7:30 बजे तक और एक और स्लॉट लेंगे, दूसरा स्लॉट लेंगे, ठीक है। तो 4:30 से 7:30 ये हो गया, तो 2 घंटे ये प्लस 2 घंटे ये और हो गया, तो 4 घंटे, 4 घंटे अभी तक हमारे कितने घंटे हो गए, पढ़ाई के 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने आप को फ्री रखेंगे, डिनर करेंगे, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा वॉक करने जाएंगे जिससे आपका माइंड क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। फिर 9 बजे डिनर करने के बाद आप 9 से 11 क्या कर सकते हैं, या तो वापस से हिस्ट्री ले सकते हैं 2 घंटे के लिए,
या जो भी आप कोर सब्जेक्ट चल रहा है, अगर आपका ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए इसमें करंट अफेयर कर सकते हैं और 1 घंटा आप मेंटल एबिलिटी कर सकते हैं, या पूरे 2 घंटे ही आप, अगर आपका सफिशियंट इतना हो रहा है इन 6 घंटों में, तो आप रात को 2 घंटे करंट अफेयर कीजिए या 2 घंटे मेंटल एबिलिटी कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम रख सकते हैं कि सुबह के टाइम आपने मेंटल एबिलिटी कर लिया और रात के टाइम 9 से 11 आपने क्या कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, और वैसे बरसा, मतलब आप इधर, या सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी याद होता है, जल्दी चीजें लर्न होती हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले करंट अफेयर्स कर लिया, और रात के टाइम आपको बोर लगने लग जाता है तो आप उस टाइम मैथ्स एंड रीजनिंग करेंगे। बाकी पूरे दिन आपको क्या करना है, जो आपके कोर सब्जेक्ट है 6, जो भी स्टार्ट किया है आपने, आप वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 4 आवर्स मॉर्निंग में, 4 आवर्स इवनिंग में मिल रहे हैं, और 2 आवर्स आपको आफ्टर डिनर मिल रहे हैं, तो कितने हो गए, 4, 4, 8 + 2, 10 आवर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10 आवर की स्टडी आपको डेली करनी है, तब जाके आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 आवर मिनिमम है, 10 आवर से ज्यादा आपको करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर्स भी करते हैं, तो आप उतना भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन और आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, ठीक है। लेकिन ये इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेडली, मतलब आप रिलीजियसली प्रिपेयर कर रहे हैं जीपीएससी एग्जाम के लिए, तो इतना आपको देना ही देना है अपनी स्टडी के लिए, क्लियर। ये एकदम सबसे अच्छा, बेस्ट मेरे हिसाब से टाइम टेबल है, जिसमें आप अपने माइंड को रेस्ट भी दे रहे हो, अपने अपने को ओवर बर्डन भी नहीं कर रहे हो, और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ठीक है। तो 120 डेज बचे हुए हैं, तो आज से ही लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपना टाइम सेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 7 बजे नहीं उठते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, तो उसके हिसाब से आप टाइम कीजिए, 8 to 10 आपका मॉर्निंग में कुछ एक कीजिए, फिर 10:30 से लेके 1:30 तक या 12:30 तक ऐसे आप कीजिए, ठीक है। तो आपका अपने हिसाब से आप थोड़ा भी थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी हाँ आप इतना टाइम तो अपनी स्टडी को जरूर दीजिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, तभी आपका जीपीएससी एग्जाम जो है वो क्रैक हो सकता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, आप ऐसे टाइम टेबल अपना बना लीजिए आज से ही, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हो सके। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो है कि ये तो 120 डेज हो गए, उसके बाद हमारे पास 10 डेज और बचने हैं, जिसमें हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। वैसे मैं रेगुलर लेकर आऊंगी आपके लिए टाइम टेबल कि फिर लास्ट 50 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट 30 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट 10 डेज में कैसे करना है। हम लास्ट 30 डेज के डे वाइज टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि आपको हर दिन क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपके लिए पूरा गाइडेंस लेके आऊंगी। अगर आपको वो गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहे। और भी कोई डाउट हो, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा।